आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ सूजी और दही से इडली बनाने। तो इसके लिए मैं कटोरी से 2 कटोरी सूजी ले रही हूँ। आप कोई चीज़ भी ले सकते हैं, कप हो, गिलास हो, कटोरी, जो भी, उससे आप नाप कर बनाइए। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी रख ली और ये दूसरा कटोरी है। अब इसी कटोरी से मैं एक कटोरी दही ले ली हूँ। अब एक कटोरी दही ले ली है, इसके बाद 2 कटोरी पानी ले लेंगे। उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी ले लेंगे और अभी पानी नहीं डालेंगे दूसरा कटोरी का, ताकि धीरे धीरे इसको चला लें। इसको अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और इसमें दूसरे कटोरी पानी डाल रही हूँ, डालकर इसको ज़्यादा पतला इसका घोल नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही इसको रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से रखना है। अब इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट मेरा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच इनो और मीठा सोडा भी 1/2 चम्मच उसको भी डाल रहे हैं। अब डालकर इसको चला लेंगे अच्छी तरह से और स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि चटनी के साथ खाना है इसको, हल्का सा डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह घोल रखना है, ज़्यादा पतला न गाढ़ा। तो यहाँ पे मैं इडली स्टैंड ले रखी हूँ और इसी में हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि मेरी इडली अच्छे से उखड़ जाए, चिपके नहीं। तो मैं लगा ली और चम्मच के सहारे से इसको घोल को डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा भरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा डालना है इसी तरह। तो तीनों स्टैंड में मैं भर ली हूँ। अब इसको जा रही हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुकर में पानी रख ली हूँ। अब पानी में इडली स्टैंड को रख देंगे, रख कर इसको 10 मिनट तक उबालेंगे। तो मेरा इडली तैयार हो चुकी है। अब इसको देखिए निकालते हैं, कितने अच्छे से निकल जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट अच्छा हुआ है। तो फाइनली मेरा सूजी इडली तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को तोड़ के मैं दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और नरम हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और साथ में चटनी तैयार है। तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में।